क्या आपको पता है कि एक टाइम पे इंडियन फुटबॉल टीम इतना अच्छा फुटबॉल खेलती थी कि उनको ब्राजील ऑफ एशिया कहा जाता था? जी हाँ, तो बात है 1950 से 1962 के बीच, जिसे माना जाता है द गोल्डन जनरेशन ऑफ इंडियन फुटबॉल। तब इंडिया में खेलते थे पीके बनर्जी, चुन्नी गोस्वामी, तुलसीदास बलराम जैसे प्लेयर्स, और इंडिया के कोच थे लेजेंडरी सईद अब्दुल रहीम। और उन्हीं के अंडर इंडिया ने खेले 4 एशियन गेम्स और जीते 2 गोल्ड मेडल इन 1951 एंड 1962 में। और इसी बीच 1958 के सेमीफाइनल्स तक भी पहुंचे। और इतना ही नहीं, इंडिया ने 4 लगातार क्वाड्रेंगुलर कप भी जीते फ्रॉम 1952 टू 1955 तक। और इसी दौरान 1956 के ओलंपिक में भी बनी इंडिया पहली एशियन टीम टू प्ले इन द सेमीफाइनल्स। इंडियन फुटबॉल टीम खेलती थी इन अ फ्री फ्लोइंग 4-4 फॉर्मेशन, और उसी प्लेइंग स्टाइल की वजह से उन्हें कहा जाता था द ब्राजीलियंस ऑफ एशिया।